आखिर ऐसा क्या हुआ जो गौतम अडानी को बेचनी पड़ गई अपनी ये कंपनी, आइए जानते हैं इस बारे में वीडियो में आगे। गौतम अडानी की एक कंपनी की 90% हिस्सेदारी को US इन्वेस्टमेंट कंपनी बैन कैपिटल्स ने खरीद लिया है। गौतम अडानी की हाउसिंग फाइनेंस और अडानी कैपिटल्स में 90% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए डील हुई। साथ ही आपको बता दें कि इस कंपनी का बचा हुआ 10% का हिस्सा MD और CEO गौरव गुप्ता के पास रहेगा। इस डील की अनाउंसमेंट 23 जुलाई को की गई, जिसमें ये बताया गया कि अमेरिकन फर्म अडानी की कंपनी में 90% की हिस्सेदारी हासिल करने के बाद $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी लगभग 1440 करोड़ रुपए में खरीदी है। अडानी ग्रुप की अडानी कैपिटल की टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो 1600 करोड़ रुपए के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांजैक्शन इस साल के फोर्थ क्वार्टर तक पूरी होने की उम्मीद है। अडानी ग्रुप की कंपनी में बैन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का सिलसिला GQG जैसी कंपनियों के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को देखते हुए हुआ। मई के महीने में अडानी ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी लगभग 10% तक बढ़ा दी थी। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि जनवरी में आई शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ गया था, जिस वजह से उन्होंने अपना FPO भी वापस लेना पड़ गया था, जिससे इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े। और उसके बाद से अडानी के ऊपर GQG जैसी कंपनी के भरोसे से उन्होंने मार्केट में कमबैक किया और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। हाल ही में हुई एनुअल जनरल मीटिंग में इस बारे में गौतम अडानी ने जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद और फॉल्स बताया। साथ ही आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स पर बात भी की। साथ ही आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने से पहले कंपनी का IPO लाने का प्लान था, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण डिले हुआ। अडानी कैपिटल एंड हाउसिंग अडानी ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये कंपनी इन्वेस्टर्स से 1500 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही थी, ताकि वह अपने नॉन बैंकिंग कंपनी को आगे बढ़ा सके। इस कंपनी ने साल 2017 में लोन बांटने का काम शुरू किया और आज इनकी देश भर में 160 ब्रांचेज हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अडानी ग्रुप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचना क्यों चाहती है? तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप इस समय नवी मुंबई एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे कई प्रोजेक्ट्स में जुड़ी हुई है, जिसके लिए इनको 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसे में कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को बंद करने का प्लान कर रही है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।